नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल टेक्निकल मंडल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि हम पटवारी का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्रोम ब्राउजर से उस लिंक पर जा रहे हैं दोस्तों, तो क्रोम ब्राउजर से ओपन नहीं हो रहा है, तो मैं आपके लिए अलग से एक सोल्यूशन लेके आया हूं, प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया हूं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है दोस्तों, चलिए वीडियो पर बताता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे दोस्तों, तो हमेशा आप यूजफुल रहेंगे, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मोबाइल से कर पाएंगे दोस्तों। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आपको दिखाता हूं मैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, आपको प्ले स्टोर में चले जाना है। चलिए प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूं मैं। प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों, यहां पर सर्च बार में लिखना है वेब इंस्पेक्टर, तो WEB वेब INSPECTOR इंस्पेक्टर करके सर्च कर देना है। वेब इंस्पेक्टर लिख के सर्च कर देना है। ये वाला ऐप है दोस्तों, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ये क्रोम ब्राउजर की तरह है, इसमें वो वाला लिंक जो है जो मैं बताऊंगा वो ओपन हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए इस पर मैं ये वाला ऐप को मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों, कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो गया, सीधा क्रोम ब्राउजर की तरह ओपन होता है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलाउ वगैरह मांगे तो आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ सर्च बार पर आपको लिख देना है दोस्तों, यहाँ पर व्यापम लिख देना है। क्या लिखना है? व्यापम, VAPAM व्यापम। उसके बाद सर्च कर देना है दोस्तों। सर्च करने के बाद दोस्तों, कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है बता देता हूँ। यहाँ पर कुछ लिखना नहीं है दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है, MP एम्प्लॉयज सिलेक्शन बोर्ड में, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आना है और आपको यहाँ पर इंग्लिश चूज कर लेना है या हिंदी चूज कर लेना है अपना लैंग्वेज। तो कुछ इस तरह से मैं इंग्लिश चूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट टाइम है दोस्तों ये वाला पटवारी एंड अदर पोस्ट कॉम्बिनेशन स्टूडेंट, ये वाला एडमिट कार्ड ग्रुप टू सब्जेक्ट 4, ये वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर कुछ ऐसा आएगा, तो यहाँ पर कट करना है दोस्तों, यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कट कर देना है आपको कुछ इस तरह से। तो कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आएगा दोस्तों और यहाँ डेट ऑफ बर्थ, तो एप्लीकेशन नंबर जब फॉर्म डाल रहे होंगे दोस्तों तब आपको एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, तो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डालना है। और डेट ऑफ बर्थ कैसे डालना है दोस्तों, चलिए मैं बता देता हूँ, पहले फिल कर देता हूँ। जैसे यहाँ मैं लिखा हूँ दोस्तों, देख सकते हो मेरा 13 अंक का जो एप्लीकेशन नंबर है लिख दिया हूँ, और यहाँ पर मैं अपना जन्मतिथि कुछ इस तरह से लिखना है दोस्तों, 6/3/1995, तो पूरा लिख दिया हूँ दोस्तों, पूरा लिखना है दोस्तों। और यहाँ पर जोड़ना घटाना आता है, 36 में 3 गए तो यहाँ पर कितना बचा दोस्तों, 33 बचा, वो लिख देना है। तो चलिए यहाँ पर और सर्च पर क्लिक कर देता हूँ दोस्तों। सर्च पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ दोस्तों, एप्लीकेशन नंबर ये है और नेम ये है, ये फादर्स नेम है, और इनकी जो डेट है दोस्तों एग्ज़ाम का वो है 29 तारीख को है दोस्तों, और 9 बजे से 12 बजे तक है दोस्तों। और हमारा सेंटर कहाँ मिलेगा दोस्तों, हमें एग्जाम के 7 दिन पहले नहीं मिल सकता दोस्तों, ये देखो 7 days before एग्जाम डेट, 7 दिन बाकी रहेगा और हमें सेंटर मिल जाएगा 3 days before योर एग्जाम डेट। ये देख लो दोस्तों, यहाँ पर पूरा सब कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये रहा प्रिंट का ऑप्शन दोस्तों, यहाँ से प्रिंट भी निकाल सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मोबाइल से हो जाएगा दोस्तों। तो कैसा लगा ये ट्रिक दोस्तों, कमेंट पर जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों, अगला ट्रिक मैं भी यहीं पर बताऊंगा दोस्तों, इसलिए।